सो फ्रेंड्स, अभी सुबह का करीबन 5 बज रहा है और हम यहाँ से देखिए लमडिंग लंका रोड से जो फॉरेस्ट गेट होता है, फॉरेस्ट गेट के वहाँ निकले हैं। और ये जो ब्रिज था ना, ये पे टूटा हुआ था काफ़ी दिनों, 2-3 साल से, जिसका चलते हुए लमडिंग टाउन की दूरियाँ नेशनल हाईवे से काफ़ी 2-2.5 किलोमीटर ज़्यादा घूम के जाना पड़ता था इटा भट्टा चारली होके। और अब यहाँ पर देखिए ये ब्रिज दोबारा रिस्टार्ट होते ही यहाँ पे जस्ट 5 मिनट्स डिस्टेंस होता है यहाँ से, तो 5 मिनट्स का टाइम लगता है जस्ट, अब लमडिंग टाउन में कहीं भी एंट्री मार सकते हो बड़ी इजीली। तो चलिए आगे जानेंगे, यहाँ से जो फॉरेस्ट तिनाली है वहाँ से आपका डिफू जाने का रास्ता एक निकल जाता है, एक लमडिंग के लिए आता है और एक आपका देखिए कुछ लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करते हुए। तो यहाँ से चलिए हम आगे देखते देखिए यहाँ से मैं और इस रास्ते पे अगर सुबह आप निकलोगे मॉर्निंग वॉक के लिए तो आपको ऑलवेज यहाँ पर लोग मिलेंगे, हर उम्र के लोग यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये है वो जो तिनाली, फॉरेस्ट तिनाली है ना, फॉरेस्ट गेट वाला चेक गेट वाला, तो यहाँ से एक आपका रास्ता है जो, चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं, आगे 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 और थोड़ा सा बस, और देखिए यहाँ से अरे अभी कुछ, हाँ ये जो डिफू के लिए निकल जाता है, आपको डिफू कार्बियांगलंग के लिए ये रोड निकल जाता है यहाँ से, ये सड़क डिफू कार्बियांगलंग के लिए निकल जाता। और ये यहाँ से आपका जो फिलहाल छोटा सा गाड़ी आ रहा है ना, तो यहाँ से आपको नेशनल हाईवे को टच करता जाके ये रोड, और मैं जहाँ से आ रहा था वहाँ आप इसी से उड़ा कर आ जाओ तो लमडिंग के लिए निकल जाएंगे गाड़ी। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं और वीडियो में। इस सड़क से हम धीरे धीरे और आगे बढ़ते हुए, और थोड़ा सा ही दूरी है जहाँ पर जाने के बाद आपको जो नेशनल हाईवे मिलेगा जहाँ पे यह सड़क टच होता है। तो नेशनल हाईवे से अगर हम लमडिंग टाउन के लिए निकले तो करीबन यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूमना पड़ता है, और यहाँ से हम अगर इसी सड़क से अगर चले जाए डायरेक्ट तो 2-2.5 किलोमीटर शॉर्ट पड़ता है। तो चलिए आगे जाते, और जो एरिया है जहाँ से नेशनल हाईवे से डायरेक्ट गाड़ी निकाल जाता है और यहाँ से क्रॉस होके आता है, ये रूट स्पेशली आपका डिफू लमडिंग आता है और वो नेशनल हाईवे हाफलोंग टू एकदम लमडिंग सिलचर कहीं भी जा सकते हो, बट ये रूट यहाँ से अगर हम जाए तो सामने एक छोटा सा फॉरेस्ट गेट मिलेगा और जहाँ से हम डिफू के लिए निकाल सकते हैं, लमडिंग के लिए निकाल सकते हैं। तो वहाँ पर कुछ ब्रिज था जो टूटा हुआ था जिसके चलते गाड़ियाँ डायरेक्ट जा रहे थे, अब ब्रिज का जो सही उद्घाटन होने की बात से सारी गाड़ियाँ अब यहाँ से लमडिंग के लिए डायरेक्ट निकालता है यहाँ से। तो चलिए और थोड़ी देर चलते हैं और सामने जाके उस एरिया को देखते हैं, और ये स्पेशली ये रिजर्व एरिया ही पड़ता है, देखिए चारों ओर जंगल ही जंगल है, ये फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट। हम इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे और नेशनल हाईवे है जहाँ पर अभी हम लोग आके पहुँच गए, और इस रास्ते पे अगर चलोगे तो हमेशा आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा जॉगिंग करते हुए, चाहे सीनियर सिटीजन हो चाहे जवान हो चाहे कोई भी हो।
आप लोगों के लिए निकल जाता। थोड़ा आगे जाके चाराली से क्रॉस करके आप लामडिंग के लिए भी निकाल सकते हो इस रूट से। और ये हो गया आपका गुवाहाटी नागाव जाने की, हुजाई जाने की जो रास्ता है ये। और यहाँ पर देख सकते हो फॉग बहुत निकला हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा फॉग है जो कि सीजन भी अब है, ठंड का सीजन आने वाला है। सर मैं भी एक दौर लगा लेता हूँ, फिर कुछ देर दौड़ लेता हूँ, फिर बाद में दोबारा बात करेंगे। तो अभी वापस हम लोग करीबन 4 किलोमीटर इधर अंदर चले गए थे, अब धीरे धीरे फिर वापस चले जाएंगे। और करीबन आधे जाने में जो टाइम अपना वेस्टमेंट हुआ है करीबन 1 घंटे के आसपास, और लगभग 8 किलोमीटर रनिंग हो गया आज। तो आज का वीडियो में बस इतना ही।